ये पंजाब की सुंदर धरती, उसके लहलहाते खेत, खेतों की झूमती नाचती फसलें, नदियों में बहता हुआ पानी, उसकी मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथों की रोटी, यही पहचान है सुंदर पंजाब की धरती की, जिसकी गोद में गुरु और पीरों ने जन्म लिया। पंजाबी दिलवाले दिलेर दयावान होते हैं, उनके मजबूत बाजू हमेशा किसी कमजोर की मदद के लिए उठते हैं। लेकिन अगर कोई पंजाबियों की आन आबरू के साथ खेले तो वही जान देने वाले पंजाबी जान ले भी सकते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में ही इज्जत अनमोल गहना होती है। अगर कोई उनकी इज्जत को ताड़ ताड़ करता है तो वो जान से जाता है। ये लीजिए चाय। सही बोला था माँ ने कि शादी के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और क्या बोला था माँ ने? कि अच्छा घर बार तो औरत के साथ ही होता है। तो पहले अच्छा नहीं था क्या? अच्छा था, पर ऐसा नहीं था। अब तुम्हारे आने पे घर में रौनक सी हो चुकी है। हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, बस हमेशा ऐसे ही खुश रहो। पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। आपके ना इसी बात पे हम खुश रहते हैं, और आप हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं आने देते। आज ना मैं आपके लिए आपकी मनपसंद सब्जी बना के लेकर आऊँगी। आज दोपहर को तुम मत आना, मैं ही घर आ जाऊँगा। वैसे भी अमृत आजकल खेतों में बहुत काम करने लगा है। अजीत, तेरे आने से पहले मैंने हरा काट लिया। आजकल तू बहुत काम करने लगा है, पहले तो कभी आता भी नहीं था। यार, लोगों की नजरों में तो मैं लोफर हूँ, लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं खेतों में ही काम करूँ। चल ठीक है, तुझे अकल तो आई पर देर से आई। हाँ, पर आ तो गई। चलिए हरा घर पे ले जा, और मुझे यहाँ थोड़ा काम है। एक मिनट जूता पहन लेता हूँ।
आजा। अरे देख नहीं रही यार किते, इतना ही यार वही खिंच गई, करना पड़ता है यार इतना चेहरे यार। पापुई, पापुई जीत कहाँ पे? वो तो पुत करे रोटी खान गया। वो तो तू हाथ में तो ला, मैं तेरे रोटी खा देनी है। आज साला घर चला गया। रानो, तू ना खेतों में मत आया कर। क्यों? तुम्हारा खेतों में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तू मेरी पत्नी है, तू खेतों में काम करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर काम करने के लिए मैं हूं ना। अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर की हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं और घर को भी अच्छा बनाएंगे और हम लिया हुआ कर्ज भी उतार पाएंगे। वैसे भी हमारे बाथरूम का दरवाजा चादर का बना हुआ है। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। चल आज पड़की पड़की खेलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो बहाना बना देंगे, जैसे तूने अपने पति को बनाया था मुंदरी पहनकर। चल थोड़ा मजा लेते, और हाँ अपने पति की बीजी हुई गाजरे लेकर जाना, उसे बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर ठीक है।
जो तुम देख रहे थे ना, ये सब मुझे 15 दिनों से पता था। मैं तुझे बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। अरे ऐसी बात किसी को बोलो भी ना तो सामने वाला काटने को दौड़ता है। कौन सुनना चाहेगा ऐसी बात अपनी बहू और बेटी के बारे में। मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा। और मैं ठहरा तेरे जैसा दिहाड़ीदार मजदूर बंदा। बच्चे पालने हैं मुझे भी अपने। ऐसी बातों में हमारे जैसे बंदे फंसकर मरते हैं या मारते हैं और कुछ नहीं। वैसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जिस पर कोई कलंक ना हो। जीत, हम गरीब जरूर हैं पर मजबूर नहीं। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो, समझ गए ना? मैंने कभी तुम्हें अमृत से कम नहीं समझा। जैसा मुझे अमृत वैसा ही तुम। तेरी शादी करवाई पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, रानों को कभी किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। एक अनपढ़ को थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए ये किस्मत की बात होती है। ये सब आपकी तो मेहनत। कितनी प्यारी चूड़ियां हैं ये, मेरे लिए लाए? ये होगी, हम उसे वापस जरूर करेंगे। आ गए आप? आज मैं आपकी मनपसंद की सब्जी बना रही हूँ, गाजर की, और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये क्या जवाब नहीं दे रहा बेटा? you
अब तू चुपचाप बैठ और सुन, क्योंकि तेरी जुबान बंद करना बहुत जरूरी था। तू कभी अपने पैरों पर पानी ही नहीं पड़ने देती थी, इसलिए तेरी जुबान बंद की, क्योंकि मेरी हर बात का तेरे पास जवाब था। मेरी माँ भी खेतों में काम करने जाती थी, तो सबकी नज़रें उस पर होती थी, क्योंकि वो भी तेरे जैसे सुंदर थी। कभी उसने अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने दी। और तू उस अमृत के साथ मजे कर रही थी? क्यों मैं मर गया था क्या? क्या कमी थी मुझ में जो तू उसके पास गई? किसी लड़की से प्यार मांगा तो बदले में गाली मिली, और तू अब क्या बोलूं मैं? अब मैं तुम्हारे दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। साथ घर लेके नहीं जाएगा उसे? जी क्या बोल रहे तू, और किसकी बात कर रहा है? वही जिसके साथ तू अभी मोटर पे मजे करके आया। तो तुझे पता चल ही गया? अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देखा मैंने। देख जीत, मेरे रास्ते मत आ, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। जो हो गया उसे भूल जा। अच्छा किसकी सेहत के लिए होगा ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा। ऐसा करना बहुत जरूरी था। अगर अब तुम जिंदा रहती तो हम रोज घुट घुट के मरते। मोहब्बत, इज्जत, दौलत और शर्त सब एक साथ किसी किसी को मिलती है। बच बचा कर हमारे पास इज्जत ही तो थी, जो तूने वो भी मिट्टी में मिला दी। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेइज्जत नहीं।